नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है Redmi Note 9। आपके पास Redmi Note 9 है या फिर Redmi का कोई और फ़ोन है, आप किस तरह से डबल टैप की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा ऑफ डिस्प्ले है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप बटन बार बार ऐसे प्रेस करते हो और आपको पता है कि बटन का भी एक लाइफ टाइम होता है, यानी कि ये कितना बार दबेगा इसका भी एक निर्धारित वक्त होता है। ओके, तो बहुत सारे लोग बटन दबाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं ऐसे करके डिस्प्ले को ऑन कर ले। तो इस तरह की सेटिंग कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पे चले जाना है सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद आपको चले जाना है लॉक स्क्रीन पे। लॉक स्क्रीन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ डिस्प्ले। तो देखिए, आप ये वाला अगर ऑन कर देते हो ना, तो एक चीज़ याद रखना, ये लॉक स्क्रीन पे हुआ, डबल टैप करो आपका डिस्प्ले ऑन हो गया, डबल टैप करो आपका डिस्प्ले ऑफ हो गया, डबल टैप करो डिस्प्ले ऑन, डबल टैप करो डिस्प्ले ऑफ। तो ये वाली सेटिंग आपको अगर करनी है तो इस तरह से आप कर सकते हो ये वाला बटन ऑन करके। एक चीज़ और है कि जैसे कि नोटिफिकेशन अगर आती है और चाहते हो नोटिफिकेशन आने के साथ अगर डिस्प्ले ऑन हो जाए, तो ये वाला भी आप ऑन कर लीजिएगा। ओके, और एक और है कि अगर आप फ़ोन को लिफ्ट करते हो हाथ में, तो आपका डिस्प्ले अगर ऑन हो जाना चाहिए तो आप इसको कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे आपका स्क्रीन टाइम आउट होता है, तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो ये सेटिंग आप कर सकते हो इस तरह से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।